तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल जिले की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर माना जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कल्कि भगवान है कौन, उनकी मान्यताएं क्या हैं और संभल में बन रहे इस मंदिर की खासियत क्या क्या है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि भगवान विष्णु के आखिरी अवतार होंगे। कल्कि पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती के सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्कि अवतार लेंगे। संभल में बन रहे भगवान कल्कि के मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। इस तरह संभल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। कल्कि पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म यूपी के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 साल का समय लगेगा। खास बात करें तो मंदिर का निर्माण राजस्थान के भरतपुर में स्थित बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी यहीं के पत्थरों से हुआ है। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा, जिसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्कि धाम में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी, जबकि पुराना कल्कि पीठ यथावत बना रहेगा। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की बात करें तो मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है, इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। वराह को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। ग्रंथों के अनुसार नरसिंह को भगवान विष्णु का चौथा अवतार माना जाता है, इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन, इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। दशावतारों में भगवान विष्णु का 6वां अवतार थे परशुराम, वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु शस्त्र दिया था। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। रामचरितमानस और रामायण दोनों में ही श्री राम का जिक्र मिलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। श्री कल्कि धाम और भगवान विष्णु की तमाम जानकारियों से जुड़ी ये खबर आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।